हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ग्रीन माय ड्रीम्स। ये जो देख रहे हो मेरी हिबिस्कस प्लांट है, डायरेक्ट जमीन से हुआ है, तो मैंने लगाया है। और इसके जो देखो बहुत हेल्दी तरह से ग्रोइंग हो रहे हैं, तो ग्रोइंग प्रोसेस तो ठीक है। और इसको जो देखो फ्लावरिंग भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग, छोटे छोटे नए पत्ते सब निकल रहे हैं। और हर रोज़ मैं फ्लावर इधर से लेके जाती हूँ, माने हर रोज़ फ्लावर ब्लूमिंग करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से ग्रोइंग होते हैं। तो इसके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, ठीक ठाक चल रहा है। देखो हर पत्ते, हर लीव्स ग्रीनिश है। ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, बहुत ठीक तरह से चल रहे हैं, क्योंकि प्योर सनलाइट इधर में पड़ते हैं। अभी थोड़ा सा सनलाइट कम है, लेकिन मैं अभी मॉर्निंग में आई हूँ, मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ठीक ठाक चल रहा है। देखिए हर पत्ता ग्रीनिश, कोई ये नहीं है। तो जिस पत्ता में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, वहाँ देखो एक येलो लीफ है, ये थोड़े दिन बाद गिर जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया। तो मेरी हिबिस्कस प्लांट को देख के पता चलता है कितना, माने जो ऑटोट्रॉफ्स का जो प्रोसेस है ना, जो खाना बनाने का प्रोसेस है ना, हर रोज़ इसमें चलता रहता है। तो हम इंसानों की तरह नहीं है, प्लांट प्लांट में क्षमता है अपने खाना बनाने का, अपने जो खाना बनाने का प्रोसेस है ऑटोट्रॉफ्स, वो चलता रहता है हर रोज़। देखो कितना ग्रीनिश है, क्लोरोफिल भी ज़्यादा है। पत्तियाँ कितना अच्छा लगे, नई नई पत्तियाँ हो रही है, ये न्यू लीफ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत हेल्दी तरह। अभी सनलाइट, ढेरों सनलाइट गिर रहा है इसमें। तो इस तरह से अगर सनलाइट, वाटर, वाटरिंग में करती हूँ सुबह और शाम को, क्योंकि इसमें अगर मैं टॉप में लगाया होता है, गमले पे घर में लगाया होता, तो इतना वाटरिंग की ज़रूरत नहीं थे, क्योंकि ये डायरेक्ट जमीन से हुआ है। इसको रूट में दिखा देती हूँ, इसके रूट ये है, तो डायरेक्ट जमीन से हुआ है, इसलिए इसको वाटरिंग करना पड़ता है। दिन में एक बार या दो बार वाटरिंग करना पड़ता है, क्योंकि धूप ज़्यादा गिरती है इधर में। देखिए ये पत्ता को ऑटोट्रॉफ्स प्रोसेस हो गया, ये फेंक देगा गाछ, ट्री प्लांट अपने तरफ से इसको निकाल देगा। इधर में एक कुलिया है, बहुत हेल्दी तरह से ग्रोइंग हो रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। जो जब मैं प्लांट को देखती हूँ ना, तब लगता है कोई शिकायत नहीं है, ऐसे ही हेल्दी तरह से ग्रो हो रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको जो जो ग्रीनिश नजर है ना, हरा भरा प्लांट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर। तो देखिए अभी हम सुबह के टाइम है, प्लांट भी खुश हो रहे हैं। इधर में वाटरिंग किया है अभी अभी, देखिए वाटरिंग किया है अभी अभी, देख रहे हो ना, इधर में वाटरिंग अभी अभी किया है। प्लांट भी बहुत खुश है, और सूरज की रोशनी भी गिर रहा है। अभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा प्लांट की, बहुत अच्छा लग रहा है। उसका प्लांट की भी एक लाइफस्टाइल होते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है उसका लाइफस्टाइल, फोटोसिंथेसिस होना, आपके अपने आप ऑटोट्रॉफ्स प्रोसेस, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रोसेस। तो इस तरह से प्लांट ग्रोइंग होता है, और जो ऑटोट्रॉफ्स प्रोसेस से निकल जाता है, तो पता अपने आप गिर जाता है। इस लीफ में ही ना सब कुछ है, इस लीफ में प्लांट की ग्रोइंग के लिए इस लीफ में सब कुछ है। एक लीफ हेल्दी रखना चाहिए, लीफ के जरिए से प्लांट रूट से तो होते हैं, रूट से जो खनिज पदार्थ है, जो न्यूट्रिशन है, वो चूस लेता है प्लांट, लेकिन बाकी काम लीफ का है, पत्तों का है। तो पत्ता हेल्दी रहना जरूरी है, और बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन रहना भी ज़रूरत है। तो मेरी हिबिस्कस प्लांट में
जब भी देखो इधर में भी नया पत्ता दो दो हो रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। ये न्यू लीफ, आप भी इसी तरह ग्रोइंग करते रहें, आपको प्लांट को प्यार करते रहें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और जो आप लोग नए आए हो मेरे चैनल पर मैं सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लेना ताकि मेरी अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।